सीएपीएफ जवानों के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की नई सेवा, जवानों को मिलेगी बड़ी सहूलियत। जी हाँ दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि जवानों के परिवार की देखभाल सरकार की जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। खबर के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ के जवानों के लिए एक नए ऑनलाइन पोर्टल ई आवास की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य घरों के उपलब्ध पूल को विस्तार देकर सरकारी आवास खोजने की संभावना बढ़ाना है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि सरकार सीएपीएफ के जवानों की आवासीय सुविधाओं में 13% तक की बढ़ोतरी करने में सफल रही है। अमित शाह ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता संभालने के बाद से गृह विभाग ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि 24 घंटे देश की सीमाओं की रक्षा करने और अन्य आंतरिक सुरक्षा सेवाएं देने वाले जवानों के परिवारों की देखभाल करना निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री ने कहा कि नए पोर्टल की मदद से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान केवल अपने बल में उपलब्ध आवास खोजने के बजाय अन्य बलों के पास उपलब्ध घर भी ढूंढ सकेंगे। सीएपीएफ जवानों में 2024 के अंत तक आवासीय संतुष्टि अनुपात करीब 74% तक पहुंच जाएगा। गृह मंत्री ने आगे कहा कि मुझे बताया गया कि कई स्थानों पर घर खाली हैं और इस नई व्यवस्था से हम जवानों के आवासीय सुविधा के अनुपात में 13% तक की वृद्धि देख सकेंगे। इसके अलावा अमित शाह पहले सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने समारोह को संबोधित किया और नई सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस समय सीएपीएफ के करीब 19% आवास खाली हैं। इस पोर्टल के माध्यम से एक बल का जवान दूसरे बल के पास उपलब्ध मकान ढूंढ सकता है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में असम राइफल्स के अलावा सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी और एसएसबी भी शामिल हैं। तो इस तरीके से इन सभी अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए केंद्र सरकार ने ई आवास पोर्टल की शुरुआत की है और इस पोर्टल का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान किसी भी बल के तहत उपलब्ध खाली आवास का पता लगा सकेंगे और वहां पर अपना आवास प्राप्त कर सकेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कदम केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को आवास उपलब्ध कराने के संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।